हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल एंड वेलकम बैक टू चैनल क्रिकेट विद रजत। सो आज है 12 अगस्त और अभी टाइम हो रहा है 10:30। सो आप सब यही सोच रहे होंगे कि दो हफ्ते से मैं कहाँ गायब हूँ, मैं कहाँ फरार हूँ। सो ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा कि मेरा रिजल्ट आ चुका है और उसी के विद इन अ वीक क्लास 10th एंड 12th CBSE का भी रिजल्ट आ गया था। सो उसके बाद जैसे एडमिशन, रीएडमिशन, TC, इसी प्रोसेस में मैं बिजी रहा और मेरे को टाइम नहीं मिला व्लॉग करने का। सो आज मैं मतलब एक तरीके से फ्री हो जाऊंगा। मेरे नए स्कूल में मेरा एडमिशन हो चुका है और मैं अपने पुराने स्कूल में आज TC लेने जा रहा हूँ। सो मैं आपको दिखाता हूँ कि यार कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस रहा और मैंने कौन से स्कूल में एडमिशन लिया, मैंने कहाँ लिया, मैंने क्यों लिया, मैंने अपना स्कूल क्यों छोड़ा, वो मैं सब आपको इस व्लॉग में बता दूंगा। तो अभी यार मतलब मैं घर के कपड़ों में ही हूँ। सो बस जल्दी से मैं चेंज करता हूँ और फिर हम स्कूल के लिए निकलते हैं और वहाँ पर TC लेके मैं आपको दिखाऊंगा और फिर घर आके आपसे बात करूंगा और शाम को एज यूजुअल अपना वर्कआउट करने जाएंगे। आज मैं ट्राइसेप्स एंड शोल्डर हिट करूंगा और फिर अपना रात को देखेंगे यार, घूमने फिरने भी निकल लेंगे, कुछ करेंगे सिस्टम। सो बस अभी मैं तैयार होता हूँ, आप जुड़े रहिए, मैं आपको कहता हूँ तैयार होके। हाँ जी गाइस, सो आई एम रेडी। ये रहा मेरा आउटफिट, ये मेरा हेलमेट और इसी में मेरा ट्राइपॉड पड़ा है जो थोड़े शॉर्ट्स लेने में मदद करता है मेरी। अभी हम चल रहे हैं स्कूल को TC लेने। TC लेते ही मैं आपको बताता हूँ क्या है और मैं थोड़े बहुत क्लिप स्कूल के डालने की कोशिश करूँगा यार, जैसे टाइम या मौका मिला मुझे। सो आप बने रहिए तब तक वीडियो में और चलिए मेरे साथ मेरे स्कूल। चलते हैं अंदर और शायद देखिए मेरी फी बुक पड़ी है, अगर जरूरत होगी तो वो भी ले चलेंगे। तो एक सेकंड ना, तो चलो TC आ चुका है, ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट। मतलब आ तो गया, एक तरीके से खुशी भी है नए स्कूल में जाने की, पर अंदर से बड़ा अजीब सा फील हो रहा है, नॉस्टैल्जिक सा फील हो रहा है कि यार इतने साल इसी स्कूल में रहे। मतलब टीचर्स भी बहुत अच्छे थे स्कूल के, हमें शेल्टर मिला है। मतलब मैं 3rd क्लास से यहाँ पढ़ रहा हूँ तो 7 साल मुझे हो गए यहाँ पढ़ते हुए, तो एक शेल्टर था और अब यहाँ से अचानक से जाना बिल्कुल अजीब सा लग रहा है। बट चलो कोई नहीं, जो है किस्मत में। सो ये मेरा ट्रांसफर सर्टिफिकेट और साथ में एक चेक आया है मेरे, वो चेक भी मैं आपको घर जाके बताता हूँ। अभी चलते हैं घर और फिर चल के ढंग से बात करते हैं। मैं अपने सारे टीचर्स से मिल लिया, मैंने सबसे अच्छे से बात करी, टाइम लग गया आधा एक घंटा पूरा मुझे यहीं लग गया। अब घर को निकलते हैं हेलमेट वेलमेट पहन के और फिर आपसे घर चल के बात करते हैं। One eternity later. सब नहीं प्रेफर करते तो मैं आपको एक बार रिकमेंड करूँगा कि यार सब जरूर ट्राई करूँ, बहुत सेक्सी होता है। मैं तब तक कैमरा स्टेबल करता हूँ, फिर इसे खाते हैं यार।
So, ये जो सब्वे है वो है पेट्रोल पंप पे लोकेटेड। पेट्रोल पंप है इंदिरा मार्केट वाले पेट्रोल पंप पे सब्वे है और बहुत प्यारा सब्वे है। अगर आप इसी एरिया में रहते तो आप यहाँ विजिट कर सकते हैं, वरना और भी सब्वे हैं देहरादून में। और अभी हम चलते हैं यार, बहुत ट्रैफिक है तो यार मैं ब्लॉग नहीं कर पाऊँगा बिल्कुल भी। तो आपको हम घर चल के मिलते हैं और घर हम चुटके बजाते ही पहुँच जाएंगे। सो गाइज, जैसे कि आपने देखा मेरा टीसी आ चुका है और उसके बाद मैं सब्वे चला गया था क्योंकि मुझे बहुत भूख सी लग रही थी, तो मैंने सोचा चलो हम सब्वे चलते हैं। सो अब मेन पॉइंट है कि यार मैंने टीसी क्यों लिया। एक सेकंड, मैं आपको अपना टीसी दिखा देता हूँ। सो ये रहा मेरा टीसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। सो इससे पहले मैं एक दूसरे स्कूल में पढ़ता था, दिल्ली पब्लिक स्कूल। वो स्कूल मैंने छोड़ दिया था और मैंने सेंट थॉमसेस में क्लास थर्ड में एडमिशन लिया था 14 अप्रैल 2013, क्योंकि ये स्कूल थर्ड क्लास से ही है और मेरे को मतलब 10th तक ICSE में पढ़ना था। और मतलब पढ़ तो मैं सकता था 11th 12th भी, बट मुझे जो सब्जेक्ट्स चाहिए थे वो हैं ह्यूमैनिटीज़ विद साइकोलॉजी। वो सब्जेक्ट्स मुझे सेंट थॉमस ऑफर नहीं कर रहा था क्योंकि यहाँ पे ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम है ही नहीं, और वो सब्जेक्ट्स अब मुझे दूसरे स्कूल में मिले हैं। वो स्कूल है ग्रेस अकेडमी देहरादून, और मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया था 14 अप्रैल 2013, और 31 और आज है 9 अगस्त 2021, मैंने उस दिन ये स्कूल छोड़ दिया है। मुझे बहुत नॉस्टैल्जिक सा फील भी हो रहा है और मतलब अच्छा तो लग रहा है नए स्कूल जाने का, सब नए तरीके से वापस शुरू करने का, बट मुझे ये स्कूल छोड़ते हुए अब थोड़ा अजीब सा लग रहा है क्योंकि यार मैं 7th थर्ड क्लास से ही हूँ, 7 ईयर्स मुझे यहाँ पढ़ते हुए हो गए हैं। हमें यहाँ शेल्टर मिला, एक एक टीचर ने सपोर्ट करा, मैंने स्पोर्ट्स में ग्रो करा यहाँ से और एक्टिविटीज़ में मैंने बहुत ग्रो करा। मतलब हर टीचर अच्छा था अपने हिसाब से, बस 2-4 टीचर तो यार ख़राब होते ही हैं, कोई बात नहीं, बट अब थोड़ा अजीब सा लग रहा है, बट कोई बात नहीं। अपनी यार नई लाइफ की शुरुआत हो रही है, अब 2 साल, फिर 2 साल बाद कॉलेज एंड एवरीथिंग। और यार बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा बस कि अच्छा लग रहा है बहुत। अब मैं जब नए स्कूल में जाऊँगा, मतलब जब भी फर्स्ट डे होगा, तो मैं कोशिश करूँगा मैं वहाँ की ब्लॉग शूट करूँ, बट अभी तो ऑनलाइन क्लासेस ही शुरू होने वाली हैं कल से वहाँ पे। सो यही है। और अगर आपको याद हो, मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में जो रिजल्ट वाला ब्लॉग था उसमें कहा था मुझे एक प्रेजेंट मिल रहा है, वो प्रेजेंट भी आ चुका है। यार पहले मैं आपको उसकी अनबॉक्सिंग दिखा देता हूँ और फिर उसके बाद मैं आपको उस जूते की डिटेल्स दिखाता हूँ। सो ये है मेरा प्रेजेंट, अब हम इसको अनबॉक्स करते हैं। देख लिया आप सबने अनबॉक्सिंग, कैसे लगे मेरे शूज? सो वो शूज हैं ये, जॉर्डन के GWS, और जॉर्डन मुझे बहुत पसंद है। जो लोग मेरे साथ पहले से हैं यार, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्हें पता होगा कि यार मेरे को जॉर्डन कितने पसंद है। मेरे पे बहुत सारे जॉर्डन हैं, उनमें से अभी जो मेरे को याद है वो है एक ये, और मेरे पे एक यूनिवर्सिटी है, और भी बहुत सारे हैं। और मैंने एक जॉर्डन लिया था, वो जो अपना होता है ना वो मिक्स्ड कलर का, हाँ वही वाला मैंने लिया था, पर्पल और ब्लू कलर का। वो मेरा फट गया था क्योंकि वो लेदर रैक्सिन मिक्स था। वो मेरा इस बार जनवरी फरवरी के बीच में फट गया था क्योंकि मैं पहन नहीं पाया था लॉकडाउन में, उसी चक्कर में पूरा फट गया और फिर मैंने फेंक दिया। तो मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड था कि यार मेरे शूज़ फट गए। मुझे शूज़ बहुत पसंद है, मतलब शूज़, क्लोथिंग और वॉचेस का मेरे को बहुत शौक है यार। मैं बस क्या बताऊँ आप सबको, एक दिन ऐसा होगा अपनी मतलब एक पूरा कमरा भरा पड़ा होगा शूज़ से, जैसे रणवीर सर के पास है ना, एक दिन वैसा हमारे पास भी आएगा। बस यही कहना चाहूँगा मैं। बाकी यार अभी टाइम 3 हो रहा है, मैं घर तो आ गया था बट मैं आके सो गया, और अभी हम बस खाना खाते हैं थोड़ी देर में। आज मैंने बनवाया है प्रोटीन चिले, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा क्या होता है। A few moments later. So family, ये रहा मेरा चिला। ये कोई प्रोटीन चिला नहीं है, ये एक बेसन का चिला है, और बेसन में यार प्रोटीन होता है, तो मैंने इसे प्रोटीन चिला बोल दिया। बेसन चिला बोल के बोर हो गए थे, इसलिए हमने प्रोटीन चिला बना दिया। तो मैं यार एक खाता हूँ, इंजॉय करता हूँ, और आपसे मिलता हूँ एक खाने के बाद।
हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। सो ये थी आज की ब्लॉग। मैंने इसमें जिम की क्लिप्स इसलिए ऐड नहीं करी क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबी हो जाती और यहाँ शाम को बहुत तेज बारिश थी तो जिम में भी लाइट नहीं थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो अपने एक फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, कमेंट करिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आप चाहते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ये रहा उसका यूजर आईडी नेम। मैं यहाँ डेली अपडेट्स पोस्ट करता रहता हूँ। दैट्स इट, मच लव, पीस आउट, स्टे होम एंड स्टे सेफ।